आज सुनेंगे हम हाजी नाजी के किस्से। पहला किस्सा। एक दिन नाजी सर का पढ़ाने का मूड नहीं था। रात को देर तक ताश खेलते रहे थे। नींद पूरी हुई नहीं थी, लेकिन स्कूल आना जरूरी था, सो आ तो गए थे, लेकिन पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। नाजी सर क्लास में आए, टोपी उतार कर मेज पर रखी, टेबल पर पांव पसारे और बच्चों से कहा, चलो निबंध लिखो। बच्चों ने कहा, सर विषय तो बताइए। नाजी सर बोले, ठीक है, टोपी पर निबंध लिखो। बच्चे निबंध लिखने लगे। नाजी सर सो गए और थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगे। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि जैसे उन्हें कोई बाह पकड़कर जगा रहा हो। आंख खोलकर देखा तो पाया कि एक छोटा बच्चा हांजी सचमुच उन्हें बाह पकड़कर जगा रहा था। क्या है? नाजी सर गुस्से से बोले। हांजी ने मासूमियत से पूछा, सर मैली कुचैली कैसे लिखेंगे? दूसरा किस्सा। हांजी और नाजी फुर्सत में थे। अपनी आदत के मुताबिक नाजी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। तभी हांजी ने पूछा, ये सब तो ठीक है यार, पर ये बताओ कि मान लो तुम किसी जंगल से जा रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? नाजी बोले, मैं अपनी टॉर्च जला लूंगा, सुना है शेर आग से डरता है। हांजी ने कहा, लेकिन मान लो तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है, फिर तुम क्या करोगे? नाजी बोले, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। हांजी ने पूछा, और अगर आसपास कोई पेड़ भी ना हुआ तो? नाजी बोले, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। हांजी ने कहा, और अगर आसपास पानी भी नहीं हुआ तो? नाजी पहलू बदल कर बोले, यार एक बात बताओ, तुम शेर की तरफ हो या मेरी तरफ? तीसरा किस्सा। नाजी फफस और हांजी सुकड़ा पुराने दोस्त थे। दोनों ने साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, साथ साथ एमबीए किया था, साथ साथ एक स्टार्टअप कंपनी खोली थी और पिछले 5 सालों में खूब पैसा कमा लिया था। दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। दोनों एक शानदार शहर के शानदार फ्लैट में साथ साथ रहते थे। एक रात नाजी फफस को घर में कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। हुआ ये था कि एक चोर उनके घर में घुस आया था और इधर उधर माल ढूंढने में लगा था। नाजी फफस ने अपने रिमोट से सारे घर की लाइटें जला दी, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, टीवी भी चला दी और माइक ऑन करके मोबाइल की कॉलर ट्यून भी बजा दी। ये नजारा देखकर चोर तो एकदम हड़बड़ा गया। उस बेचारे ने इतने टेक्निकल लोगों के घर में कभी चोरी नहीं की थी। नाजी फफस ने चोर को पीछे से दबोच लिया, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ गया और हाजी सुकड़ा से बोला, बड़ी फौरन जा और पास के थाने से किसी पुलिस वाले को पकड़ के लेके आ, तब तक मैं इसे संभालता हूं। 10 मिनट हो गए, हांजी के निकलने की आवाज नहीं आई तो नाजी ने पूछा, बड़ी तू गया नहीं अभी तक? हांजी सूकड़ा मिमियाते हुए बोला, यार मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। तभी चोर करहाते हुए बोला, भाई साहब आप मेरी चप्पल पहन जाओ। यह मजेदार किस्से एक सुंदर सी पुस्तक हांजी नाजी में छपे हैं। यह पुस्तक तक्षशिला फाउंडेशन के एक तारा प्रकाशन में छपी है। सभी किस्से स्वयं प्रकाश जी ने लिखे हैं और इस पुस्तक के सभी चित्र अतनु राय जी ने बनाए हैं। इन किस्सों को आवाज दे रहे हैं अनुरंजन। इन
इन सभी का बहुत बहुत आभार।